यूपी के मेरठ से एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस शादी में दहेज के तौर पर 2,56,00,000 रुपए नकद दिए गए। इसके अलावा जूता चुराई और निकाह पढ़ाने की रस्म में भी लाखों रुपए बांटे गए हैं। यह वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं इस शादी की पूरी कहानी। मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिखाया गया कि दहेज के तौर पर 2,56,00,000 रुपए नकद दिए गए। यह रकम सूटकेस में भरकर लाने की बात कही जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हे के परिवार को नकदी भरे सूटकेस दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शादी के अन्य रस्मों में भी जमकर पैसे बांटे गए। जूता चुराई की रस्म में 11,00,000 रुपए और निकाह पढ़ाने वाले मौलाना को भी 11,00,000 रुपए दिए गए। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी के अच्छा कोई सी ले लो, कोई सी ले लो। ये 8,00,000 मस्जिद में गाजियाबाद वालों को कौन सा दो दिन पकवाने दो दिन नबी ये 11,00,000 रुपए पढ़ाने वाली को दो जी को रखो 11,00,000। बताया जा रहा है कि यह शादी 4 दिन पहले मेरठ के एक बड़े रिजॉर्ट में हुई थी। गाजियाबाद से बारात मेरठ पहुंची थी, जहां दुल्हन के परिवार ने दहेज के रूप में मोटी रकम दी। वीडियो में एक धर्मस्थल के लिए भी 8,00,000 रुपए देने की बात सामने आई है। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, ना ही दुल्हा या दुल्हन के परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है, जहां एक बड़े रिजॉर्ट में मुस्लिम जोड़े की शादी का भव्य फंक्शन आयोजित हुआ था। बारात गाजियाबाद से मेरठ आई थी, जिसमें दुल्हन पक्ष ने दुल्हे को इतनी मोटी रकम दी कि सबकी आँखें फटी रह गई। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि 2,56,00,000 रुपए की रकम सूटकेस में भरकर दी जा रही है। मौके पर मौजूद कुछ लोग लगातार इसका वीडियो भी बना रहे हैं। इस दौरान 8,00,000 रुपए एक धर्मस्थल के लिए भी दिए गए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे समाज के लिए गलत संदेश मान रहे हैं। उनका कहना है कि दहेज जैसी कुरीतियों को बढ़ावा देना गलत है। वहीं कुछ लोग इसे व्यक्तिगत मामला मानते हुए इसे निजी पारिवारिक निर्णय बता रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की भव्य शादियां और भारी दहेज समाज में असमानता और कुरीतियों को बढ़ावा देती है। दहेज प्रथा जो पहले ही एक गंभीर सामाजिक समस्या है, इस प्रकार के आयोजनों से और अधिक गहराई तक जड़ें जमा सकती है। दहेज प्रथा भारत में कानूनन प्रतिबंधित है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। अगर इस शादी में सचमुच दहेज का लेन देन हुआ है तो यह कानून का उल्लंघन है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इसका विरोध करने वालों का कहना है कि दहेज प्रथा के ऐसे उदाहरण समाज में गलत परंपराओं को प्रोत्साहित करते हैं। वहीं समर्थन करने वालों का तर्क है कि यह दोनों परिवारों के बीच आपसी समझौता है और इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
यह घटना समाज के लिए एक आईना है। शादी जैसे पवित्र बंधन को धन और भव्यता से जोड़ने के बजाय सादगी और समानता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे आयोजनों से न केवल सामाजिक असमानता बढ़ती है बल्कि गरीब वर्ग के लिए यह भारी मानसिक दबाव भी पैदा करता है। मेरठ की इस शादी और वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े किए हैं। दहेज प्रथा और दिखावे की इस संस्कृति पर रोक लगानी चाहिए। यह केवल कानून का मामला नहीं है बल्कि समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। बहरहाल ऐसी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24।